भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया है। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है। गुयाना के प्रोविडेंस में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें पहले वनडे के लिए आमने सामने थी। हालांकि शुरुआत में बारिश की वजह से शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस मैच को भारतीय समयानुसार रात 9 बजे शुरू किया गया। वर्षा से बाधित पहले वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश और मैदान गीला होने की वजह से पहले में 40 तो बाद में 34 ओवरों का कर दिया गया। हालांकि बारिश की लुका छिपी के चलते मैच को कई बार रोकना भी पड़ा, लेकिन एक बार फिर से मैच शुरू हो गया और काफ़ी इंतज़ार के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। अब सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच रविवार को ट्रिनिडाड के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। 13 ओवर के खेल में लुइस ने तेजी से रन बटोरते हुए 36 गेंदों में 40 रन की तेज तर्रार पारी खेली और टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। हालांकि लुइस के अलावा क्रिस गेल ने अपनी छवि से अलग खेल दिखाया और उन्होंने 31 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। गेल 11वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव के हाथों आउट हो गए। इससे पहले कि मैच आगे बढ़ता एक बार फिर से बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जब मैच रद्द हुआ उस समय बारिश नहीं हो रही थी, पर मैदान गीला होने की वजह से मैच को रद्द किया गया।